नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। रीवा जिले के त्योथर तहसील क्षेत्र अंतर्गत तमसा नदी में इन दिनों माफियाओं का आतंक देखने को मिल रहा है। जहां खनन माफिया रेत का अवैध उत्खनन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वहीं प्रशासनिक अमला, खनिज विभाग, राजस्व विभाग और पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मूक दर्शक बनकर के बैठा हुआ है। तमसा नदी के भीतर माफियाओं के द्वारा हैवी मशीनें लगाकर सैकड़ों गांवों से उत्खनन करके बिना परमिशन के उसका भंडारण और परिवहन किया जा रहा है। वहीं जिम्मेदार साठ गांठ कर गोल मोल जवाब दे रहे हैं। इस मामले पर जब SDM संजीव पांडे से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि एक सप्ताह के अंदर ही कार्रवाई करूंगा। अब देखना दिलचस्प है कि वो सप्ताह कौन सा होगा जब रेत माफियाओं पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए आइए देखते हैं हमारे रिपोर्टर आशुतोष की ये रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। मैंने अभी माइनिंग ऑफिसर से बात करी है, इसके लिए हमने एक टीम बना करके इस पर कार्रवाई करेंगे। निश्चित तौर से आपको मतलब इस वीक एक कार्रवाई देखने को मिलेगी। हम ये गंगपीरा है, लोअर पुरवा है, ये दोनों तीनों घाटों पर यहाँ पर कार्रवाई हम करेंगे। निश्चित तौर से कार्रवाई होगी इस वीक। सामने से एक ट्रैक्टर के रेत अच्छा, मैं इसको देखवा लेता हूँ। एक्चुअली मेरे तो देखने में नहीं आया है, हालांकि सभी थाना प्रभारियों को और SDOP साहब को ये मैंने निर्देशित कर दिया है, पत्र भी लिख दिया है कि कोई भी कार्रवाई होगी तत्काल उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। हाँ, वीडियो ही बना ले रहा हूँ ढंग से, अब आ जाएगा ना तब ना। अच्छा, यह मशीन यहाँ लगी है।